तगड़ी भाग रही है और राम भाई पीछे लगे हुए। सिमिंग ले ली कार की, वो भी बात साथ साथ चल रहे हैं भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आए हैं, मुझे लगता है अभी तक इसका किसी ने परफॉर्मेंस किया नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास खड़ी है BSA की 650 गोल्ड स्टार एंड यहाँ पे है ड्यूक 390 BS6। इन दोनों का हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। हमारे साथ में है राम भाई जिनका वेट अराउंड 80 kg है, मेरा 90 kg है, मतलब 10 kg का ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है, 84 समथिंग है इनका, ठीक है। यहाँ पे वेट का भी ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब जो बैटल होने वाली है बढ़िया होने वाली है। तो चलिए पावर की बात कर लेते हैं भाई। इस गाड़ी में आपको 45 BS की पावर मिलती है एंड 55 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन 5 गियर ही मिलते हैं। अगर ड्यूक की बात करूँ, इसमें 43 PS की पावर है एंड 37 Nm का टॉर्क है। प्राइस की बात करूँ, ये अराउंड 3 लाख 3.5 लाख की आती है, ठीक है। और इसकी बात करूँ, ये भी अभी जो नया वाला वर्जन है 3,80,000 का आता है। तो प्राइस के मामले में दोनों ही सेम होने वाले, लेकिन ये रेट्रो बाइक है, एक तरीके से रोडस्टर कह सकते हो, ये नेकेड स्पोर्ट्स है। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस में क्या इशू है, इन दोनों परफॉर्मेंस क्या रियलिटी है, इन दोनों परफॉर्मेंस क्या रिजल्ट है, वो हम इस सीधी रोड में आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी बारिश हो रही है लेकिन हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे सीधे ड्रैग में। तो चलिए मैं चलाने जा रहा हूँ गोल्ड स्टार और राम भाई ने ड्यूक ले ली है, ड्यूक चलाएंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट होने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता है क्योंकि गोल्ड स्टार में पहली बार भगा रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट है। अरे बाप रे बाप रे, और अभी तक तो भाई दोनों आसपास चल रहे हैं। बाप रे, भाग रही है यार ये, भाग रही है। OMG, देखो बेस से भी आ गए हैं और ड्यूक की जस्ट बगल बगल में निकल रही है। पांचवा गियर अभी भी अगल बगल चल रहे हैं। बहुत तगड़ी भाग रही है यार ये, बहुत तगड़ी। ओ भाई साहब, छठा गियर लगा दिया मैंने, अभी भी अगल बगल चल रहे हैं भाई। तगड़ी तगड़ी टक्कर हो रही है, तगड़ी टक्कर। बहुत तगड़ी भाग रही है और राम भाई पीछे लगे हुए। टॉपिंग बेटर, इससे थोड़ा सा आगे निकल गया। अब देखो स्लिप स्ट्रीमिंग करने का क्या फायदा होता है। ये बहुत तेज हवा है भाई, 160 से ऊपर नहीं जा रही। ओहो, अरे भाई साहब मैं पीछे चला गया। बहुत तगड़ी भाग रही है भाई। ओ भाई साहब विंड ब्लास्ट यार, विनर भी ऐसे रहेगी। स्लिप स्विमिंग करके आगे तो निकल रहा हूं मैं, बट फायदा नहीं हो रहा। राम भाई पीछे ही है। भाई पीछे ही है, अरे मैं पीछे हो रहा हूं। अरे बाप रे, कोई फायदा नहीं है। ओ गाड़ी रोक देनी चाहिए। ओ, 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 ओ भाई साहब अबे भाई इस गाड़ी में ऐसा हो रहा था कि मैं पीछे चला जा रहा हूं, इतनी ज्यादा विंड लग रही है।
इसमें भाई मैं मतलब स्लिप स्पिनिंग करके तुम्हारे आसपास आ जाता, हाँ, बट फिर वापस पीछे हो जा रहा था। पीछे हो जा रहा था ना भाई, बहुत तगड़ी भाग रही है। मतलब जो इसका जो पिकअप ले रहा है ना वो अलग ही लेवल का आ रहा है। तो भाई अभी राइडर चेंज करके देखेंगे, जो उसका 55 न्यूटन मीटर टॉर्क है ना भाई, वो सही में निकल के आ रहा है भाई, निकल के। तो स्लिप स्विमिंग जैसा भाई ने बताया, स्लिप स्विमिंग जब कर रहे थे ना वो, तभी उनके में पावर आ रही थी। अभी चलिए एक बार हम भी ट्राई करते हैं ड्यूक को चला करके कि कुछ कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन वो गजब भाई, गजब भागी है और विंड ब्लास्ट तो एकदम A1। निकलने की कोशिश, ओ भाई साहब, भाई तगड़ा तगड़ा बेगा, अरे आ गया, अरे निकल गया भाई, तगड़ा बेगा। पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मैंने भी स्लिप स्विमिंग ले ली कार की, वो भी बात साथ साथ चल रहे हैं भाई। तो ओड़ा बेगम, यहाँ विंड प्रेशर आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी आगे है गोल्ड स्टार। ये देखिए बहुत तगड़ी भाग रही है गोल्ड स्टार, प्रेशर आ रहा है भाई, क्या विंड प्रेशर आ रहा है, बहुत तगड़ी, कोई कोई मतलब मैटर ही नहीं करता यहाँ पे गोल्ड स्टार को पकड़ने का। थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ मैं, स्टिल थोड़ी सी मैं आगे आने की कोशिश, गोल्ड स्टार थोड़ी सी आगे है, तो भाई ड्यूक भाग ले, मुझे लगता है स्लिप स्विमिंग नहीं करेगा बंदा तो पुराना वाला रिजल्ट है। बहुत ज्यादा विंड है भाई, बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट मिल रहा है। बस मैं थोड़ा ही सा पीछे था, लेकिन बिना स्लिप स्विमिंग के, स्लिप स्विमिंग नहीं की थी मैंने उसके बाद में थोड़ा सा पीछे था, लेकिन भाई विंड इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये देखिए पेड़ कैसे हिल रहे हैं पागलों की तरह, पागलों की तरह। ये होती है स्पेयर एंड स्क्वायर रेस भाई, गजब गजब। और वेट भी सेम था ना, तो बहुत सही रिजल्ट आए। तो भाई अभी आपने देखा भाई क्या रिजल्ट निकल गया है, बहुत अमेजिंग रेस रही है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी, क्या नाम है, गोल्ड स्टार की यार अमेजिंग पिकअप, अमेजिंग पंच। मतलब ड्यूक की तो भाई छक्के छुड़ा दिए इसने, छक्के। तो भाई मैं यही कहूँगा यार, पावरफुल मशीन आपको मिल गई है अब थोड़ी रेट्रो स्टाइल में। तो आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और राम भाई के साथ हम वीडियो बना रहे हैं, वो आपका क्या कहना है, सही वेट पे हम वीडियो बना रहे हैं कि नहीं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फॉलो करना मत भूलिए इंस्टाग्राम में। बाय बाय।